हिंदू की नगरी काशी में शिवलिंगों को किया जा रहा है बेघर। मामला लंका थाना अंतर्गत रोही नगर कॉलोनी में एक प्लाट में टूटा फूटा मलबे में दबा शिवलिंग हुआ बरामद। मौके पर पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, आम आदमी पार्टी संजय सिंह सहित पूर्व विधायक अजय राय। बताया जा रहा है कि शिवलिंग को आनन फानन में प्रशासन ने हटवाया व लंका थाने में पहुंचाया। काशी के कड़कड़ में शंकर, कबाड़ में शिवलिंग, वारे बनारस क्या यही अच्छे दिन। वहीं दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संजय सिंह सहित पूर्व विधायक अजय राय व अन्य लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन व विरोध व्यक्त करते हुए कहा, जो मंदिर जहां से भी तोड़े गए हैं काशी के लोगों से क्षमा मांगकर और उन शिवलिंग को फिर से वहीं स्थापित करके उनकी पूजा करने की मांग की है। लंका थाना प्रभारी भारत भूषण तिवारी को लिखित तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की। मामले की छानबीन में जांच जुटी लंका पुलिस। इसी थाना के अंतर्गत रोहित नगर नाम की एक जगह है जो अशी नदी के किनारे है। वहां पर हम लोग जो बहुत दिन से कह रहे थे कि हमारे काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उसका अधिकारी लोग खंडन करते थे। आज सवेरे रोहित नगर में अशी नदी के किनारे मलबा फेंका गया विश्वनाथ मंदिर का। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर जो विध्वंस किया जा रहा है, जो विनाश किया जा रहा है, ये मूर्तियाँ वहीं की हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग कर सकते हैं प्रशासन से। हमारे स्वामी जी जो बात कह रहे थे मुक्तेश्वरानंद जी, वो साबित हो गई और हम सब लोग यही चाहेंगे कि इन्हें पुनः स्थापित किया जाए और जो मंदिर जहाँ पर भी तोड़े गए हैं वो क्षमा मांगे काशी के लोगों से और काशी से।